ये क्या? ये कार नहीं, चमत्कार है। चाचा भतीजे की गाड़ी ने पकड़ी रफ्तार। देखते हैं किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब सबको खत्म करूंगा और इल्जाम चाचा और भतीजे पर आएगा। ये क्या? चाचा भतीजा रेस जीतने के लिए चीटिंग कर रहे हैं। चाचे ये तन्ने ठीक ना किया, तन्ने सबक सिखाऊंगी मैं। ओ ये हमने नहीं किया। ओए भतीजे ये क्या हो रहा है, गड्डी के ब्रेक ही नहीं लग रहे हैं। ये क्या? ये मैडम जी का स्टाइल है, लास्ट से सीधे फर्स्ट। चाचू ये खिड़की दरवाजे अपने आप कैसे लॉक हो गए? मुझे लग रहा है कोई हमारी कार को कंट्रोल कर रहा है। ओए अब क्या करें भतीजे? सोचता हूँ, लेकिन पहले इस डुगडुगी को रोकना होगा। अरे 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 क्यों वेस्ट कर रहे हो? मम्मी जल्दी से अंडे पकड़ लो, आज डिनर के काम आएंगे। चाचा भतीजे ये क्या कर रहे हो? भल्ला से चीटिंग, 4 महीने की सैलरी काटूंगा। चाचा भतीजा कर रहे हैं अंडों का वार और भल्ला को चढ़ गया है बुखार। चाचा ये तूने ठीक ना किया, जानता है ना कानून के हाथ और बंदूक ने की लात से कोई ना बच सके। ओए भतीजे वो ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ। एक मिनट, ऐसी टेक्नोलॉजी वाली कार तो कोई साइंटिस्ट ही बना सकता है, और ये डुगडुगी बनाई गई है सब बर्बाद करने के लिए, और साइंटिस्ट और बर्बादी तो सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, मनमौजी। तुम्हारे दिमाग की दाद देनी होगी भतीजे, लेकिन आज तुम्हें मैं खत्म करके ही रहूंगा। इसका मतलब वो मैकेनिक मनमौजी ही था, उसने हमें धोखे से ये गड्डी दी ताकि वो तबाही मचाए और इल्जाम हम पे आए। चाचू रेस तो खत्म हो गई, लेकिन वो अब हमें ब्रिज की ओर लेके जा रहा है ताकि वो हमें मार सके। भतीजे कुछ कर, वो हमें कंट्रोल कर रहा है, मतलब वो हमें देख सकता है। इसका मतलब जरूर उसने कोई ट्रैकिंग डिवाइस लगाया होगा। चाचू अगर वो ट्रैकिंग डिवाइस अंदर नहीं है तो जरूर बाहर होगा, हमें खिड़की का कांच तोड़ना। तोड़ नहीं सकते, वो तेरे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। ये देख। चाचा वो लाल बटन मत दबाना। ये वाला, ये ले मनमौजी। चाचू नहीं, ये उसकी चाल है। ओए ओए भतीजे ये क्या हो रहा है, मैंने तो स्विच ऑफ किया था। थैंक यू चाचा, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया, मैंने ऑन ऑफ बटन्स की अदला बदली कर दी थी। मेरे एक्सपेरिमेंट से ये मोम का डायनासोर जिंदा हो गया। ए गुलाम कहना मेरा मान। खत्म कर दो इन्हें। मुझे पकड़ोगे या इस डायनासोर को रोकोगे? अब मेरा बदला पूरा होगा, पूरे शहर पे कहर बरसाऊंगा। इस डायनासोर से तुम क्या लड़ पाओगे, तुम्हारे लिए तो ये बंदर ही काफी है। हाँ
बंदूक नीजी, ये सब मनमौजी का किया कराया है, इन्हें कैसे भी रोक नहीं होगा। एक आइडिया है, सुनिए। भतीजे के होते हमें कुछ नहीं हो सकता। ओए भतीजे आ जा। हाँ चाचू। आंटी का लड्डी चक्कर मक्कर, मटर मटर काजू माजू। मैं हूँ भतीजा। मैं हूँ चाचू। चलो ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, इब मंजिल ज्यादा दूर ना से। बोलू दादा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा अड्डा है, मैं तुम्हें यहाँ घुसने नहीं दूंगा। अभी तक तो मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, अब मैं तुम्हारी रस्सी काट दूंगा। आइडिया। ओए भतीजे, रस्सी किसी भी वक्त टूट सकती है, कुछ कर। अब दिखा दो इन्हें पोलू दादा का असली कमाल। क्या रॉक क्लाइंबिंग के पैकेज में मछली का जाल फ्री था? मोलू मोलू, जल्दी चलो, अड्डा बदलने का वक्त आ गया है। चाचा भतीजा की टोली इस जाल में नेट प्रैक्टिस करती रहेगी। ओए भतीजे, ये चोर तो भाग निकलेंगे, पर हम क्या यहाँ हमेशा फंसे रहेंगे? हमें किसी तरह इस जाल को उस नुकीली टहनी पर अटकाना होगा और फिर जाल को नीचे खींचना होगा ताकि जाल टूट जाए। ओ बिल्कुल सही कहा तूने भतीजे। और चलो भाई, चलो जोर लगाओ, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, दम लगा के हैया। रुक जाओ डंका, मैं हूँ बड़ा बॉस। बड़े बॉस, सर खुजाना बंद करो। क्या आप हमें देख सकते हो? हाँ, बड़ा बॉस सब देख सकता है। अब जल्दी से वो पीली वाली फाइल ढूंढो। ढूंढ रहे हैं बॉस, पर कहीं मिल नहीं रही। भतीजे, हाल ही में हेडक्वार्टर ने नई लाठी का पार्सल भेजा, ऊपर की तरफ रखा है। अभी डंका ढोलकी पर लाठी चार्ज करवाता हूँ। डंका, तुम ढोलकी के कंधों पर चढ़ जाओ। जल्दी करो, मुझसे आपका वजन उठाया नहीं जा रहा। यहाँ इतना अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फाइल वहाँ है क्या? ओए भतीजे, मेरे टेबल के ड्रॉर में अक्सर चूहे घुमा करते हैं। अब ये चूहे डंका ढोलकी को घुमाएंगे। डंका, बंदूकी की टेबल की ड्रॉर में चेक करो। वाह जिंजे, आप तो ब्रेक डांस में एक्सपर्ट हो। ब्रेक डांस के बच्चे, मैं तेरा सर ब्रेक कर दूंगा। अब तू करता रहे ब्रेक डांस।
ओए, ढोलकी, पीली फाइल मिल गई। चलो भाग चलते हैं। बहादुर अंकल जीप भगाइए, उन्हें पीली वाली फाइल मिल गई है। वो रहे डंका ढोलकी। बंदूकनी जी, जल्दी से अपना फोन मुझे दीजिए। डंका ढोलकी भाग गए, हमारे हाथ से निकल गए। नहीं, बंदूकनी जी का फोन ढोलकी के बैग में अटका है और मैंने इस दूरदृष्टि गैजेट से उस फोन पर कॉल किया है, तो अब मैं देख सकता हूँ कि वो कहाँ छुपे हैं। एक मैन होल में। अब दीजिए, क्या डराया डंका ढोलकी को।